हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई एज लिमिट है AIIB एग्ज़ाम के लिए, और कब कब जो है आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, क्या कुछ इसकी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं। उन सब चीज़ों को हम अपनी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इज़ देयर एनी एज लिमिट फॉर द AIIB? तो देखिए, कोई भी एज लिमिट इस एग्ज़ाम के लिए नहीं होती है। देयर आर नो एज लिमिट्स फॉर द AIIB एग्ज़ाम। हाउएवर, वन मस्ट टेक द एग्ज़ाम विद इन 2 ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लो डिग्री इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस। तो देखिए गाइज, मैं आप लोगों को एक कंडीशन बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, एज लिमिट तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होती है। इसके लिए आप लोग जो है कभी भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई इसका एक क्राइटेरिया फिक्स है कि इसी क्राइटेरिया में आप लोगों को अपना एग्ज़ाम देना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप लोगों को लगे कि हाँ अब ठीक है, प्रिपरेशन हमारी है, तो आप लोग दे सकते हो। बट एक कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए कि आप लोगों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल के अंदर कराना होगा। स्टेट बार के में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे गाइस, वो आप लोगों का 2 ईयर्स तक ही वैलिड होता है। उसके बाद जो है आप लोगों को रिन्यूअल कराना होता है, उसके बाद आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, एक बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो क्या होता है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना इनरोलमेंट कराया था स्टेट बार काउंसिल के अंदर, वो जो है 2 ईयर्स तक वैलिड रहता है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि ये जो हमने अपना एनरोलमेंट कराया है ये सिर्फ 2 ईयर्स तक ही वैलिड रहेगा। रिन्यूअल कराना होता है, उसके बाद अगर आप लोग दोबारा से एग्ज़ाम अपना देना चाहते हो, फर्स्ट टाइम में आप उसको क्रैक नहीं कर पाए, तो ये प्रोसीजर जो है आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। और सेम प्रोसीजर आप लोगों को जो आपने पिछले अपने AIIB एग्ज़ाम में किया था, वही आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम में करना होता है। फ़ी वगैरह सब कुछ पे करना होता है, कोई भी रिफंडेबल नहीं होती है। कि अगर आप लोग एक बार AIIB एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो आप लोगों की जो फ़ी थी वो रिफंड हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा आप लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कोशिश करिए, बिकॉज फ़ी भी बहुत ज़्यादा है AIIB एग्ज़ाम की। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपनी प्रिपरेशन ऐसे करके रखें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप लोगों का एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए। तो थोड़ा सा अपना बेस जो है, अब AIIB 18 का एग्ज़ाम होगा, उसमें थोड़ा स्ट्रांग रखना। क्या पता वो लोग ऑनलाइन सेटअप कर दे कुछ, क्योंकि पहले भी उन्होंने प्लान किया था कि एग्ज़ाम को जो है ऑनलाइन कंडक्ट वो कराएंगे, बट कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी वो नहीं रही। तो क्या पता कुछ टेक्निकल इशू हो, नहीं कर पाए हो, कुछ भी हो सकता है, प्लान फेल हो गया हो। देखते हैं इस बार क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, कौन सी टेक्निक वो लोग अपनाते हैं, फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। बट आप लोग जो है अपना बेस स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग रखें, जिससे प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को एग्ज़ाम देने में, और फर्स्ट टाइम में भी आप लोग अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। और कोई भी एज लिमिट इस एग्ज़ाम के लिए नहीं होती है, इसलिए आप लोग थोड़ा टेंशन फ्री रहें, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स न्यू होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो गाइड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो गाइस, होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर